मैं कर्नल दिलबाग डायरैक्टर पेशेंट वैलफेयर अबरोल हॉस्पिटल दे विच अबरोल हॉस्पिटल विच एक नवी स्कीम शुरू की गई है जिदे अधीन हर हफ्ते एक पेशेंट या उन्होंने अटेंडेंट की एक मीटिंग ली जाती है जिन्हां दे विच जिदे विच पूछा जाता है कि पेशेंट नूं की प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि ज़्यादातर पेशेंट हॉस्पिटल में रहिंदे ने ते अपनी ट्रीटमेंट करवा के बाहर निकल जाते जो भी प्रॉब्लम्स हैं अपने नाल लैके चले जाते किसी नूं प्रॉब्लम दसते नहीं। असी एक मीटिंग रखते हैं हर हफ्ते जिद पेशेंट दे जो अटेंडेंट है वो आके अटेंड करते हैं और वो दसते हैं कि उन्होंने की प्रॉब्लम है। इस करके प्रॉब्लम जो है साढ़े तक पहुँचती है असी जो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं वो टाइम पर करने की कोशिश करते हैं नहीं तो असी मैनेजमेंट तक या हॉस्पिटल के चेयरमैन तक वो प्रॉब्लम पहुँचाने की कोशिश करते हैं ताकि साढ़े को आने वाले पेशेंट में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम ना हो। नॉर्मली पेशेंट नूं हर पेशेंट की डिमांड होंगी कि उन्होंने एक सैपरेट कमरा मिलिया जाए पर वो रैफरल दे विच ऑथराइज नहीं है जो अप टू हवलदार एक वार्ड ऑथराइज है और हवल नैब सूबेदार टू सूबेदार मेजर तक सैमी प्राइवेट कमरा ऑथराइज है और ऑफिसर्स नूं प्राइवेट कमरा ऑथराइज है। हर कोई चाहता है कि मैनू डीलैक्स या सुपर डीलैक्स कमरा मिले ताकि उन्हों का अटेंडेंट भी उत्थे आके रह सके उन्हां दे नाल जो कि सारे लिए मुश्किल नहीं है पर असी फिर भी कोशिश करते हैं कि जदों तक साढ़े को कमरे अवेलेबल है असी पेशेंट नूं उहदे अटेंडेंट नूं कंफर्टेबल कर सकीए और उन्हां कमरियां विच रख सकीए। असी साढ़े जिन्हें भी मैनेजमेंट वाले है मिस्टर सौरभ गांगली मिस्टर गगन मैं खुद असी तकरीबन 24 घंटे हॉस्पिटल के अंदर साढ़े चो कोई ना कोई जरूर होंदा। असी पेशेंट नूं हमेशा कहीदा कि तुसी जो प्रॉब्लम होंदी है वो रिसेप्शन ते आके दसो बाई चांस वो थोड़ी प्रॉब्लम नहीं सुनते हैं तो बाकी जो मैनेजमेंट के बंदे है उन्हां कोल तुसी आके अपनी पॉइंट दे सकते हो और देखोगे कि तुहाडे इत्थे स्टे के अंदर अंदर ही असी वो प्रॉब्लम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं।